दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बाइक सेटिंग ट्रिक्स में स्वागत है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी छोटी सी मिस्टेक काफ़ी नुकसान कर देती है। आज हमारे साथ हमारी बाइक में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बाइक है हमारे पास और उसका रियर डिस्क ब्रेक का हाउस कट गया। आप देखिए किस लिए कट गया है और इसमें कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ये कट गया, और इसकी प्राइस 3,300 कुछ रुपया है। तो काफ़ी महंगा स्पेयर पार्ट्स है और जो कि थोड़ी सी मिस्टेक के लिए ये कट गया। तो कभी भी आप ऐसी मिस्टेक ना करें, जिसके लिए वीडियो आप एंड तक देखिए और समझिए कि क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वो इतना महंगा पाइप कट गया और हमें नया चेंज करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो ये रियर डिस्क ब्रेक हाउस और इसका MRP 3,300 रुपया है। काफ़ी महंगा स्पेयर पार्ट्स है और ये छोटी सी मिस्टेक के लिए कट जाता है। कहीं पर एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं हम जो कि ये कट जाता है। अब ये वो मिस्टेक कहाँ पर होती है वो मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ इसमें देखिए दो बोल्ट हैं और कॉपर वाइसर मिलते हैं, तो ये एक ही बोल्ट लगेगा, एक में ब्रेक स्विच लग जाती है। देखिए यहाँ पर ये पुराना वाला पाइप कटा है डिस्क के साथ में, देखिए रगड़ कर रहा है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब इसको कैसे डालना है, इसका रूट क्या रखना चाहिए जो कि ये कटे नहीं, क्योंकि काफ़ी महंगा स्पेयर पार्ट से ये। तो इसके लिए देखिए यहाँ से काटने के बाद इस पर एयरन लाइट लगाया है किसी ने, लेकिन एयरन लाइट यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। चलिए हम इसको साइड करते हैं और नया डालते हैं और दिखाते हैं उसका रूट क्या रखना है हमको जो कि ये कभी कटे नहीं। देखिए यहाँ से ये नया वाला पाइप डाल देंगे, ठीक है, दूसरी साइड में उधर जहाँ पर हमारा मास्टर सिलेंडर है वहाँ फिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें ब्रेक स्विच में ही बोल्ट होता है और दोनों तरफ कॉपर वाइसर देके लगा देनी है और अंदर इसको केबल टाई से फिक्स कर लेना है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर केबल टाई से हमने इसको पैक कर रखा है, मतलब बांध रखा है, ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना हो। उसके बाद में अब देखिए यहाँ से इसका रूट है जाने का और यहाँ से देखिए ऐसे आएगा और इसमें रबड़ में और क्लिप में फंस जाएगा। रबड़ जो होता है ये एक क्लिप में फंस जाता है, ठीक है। अब यह मैन यहाँ पर देखना है हमें, देखिए ये जो हमारा रियर सॉकर है उसके बोल्ट के नीचे से ये हाउस को कभी भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि ये ऊपर नहीं आ पाएगा डिस्क के पास, और इसको किसी पंचर वाले ने निकाला था जिसकी वजह से ऊपर छोड़ दिया था उसने। देखिए ये नीचे है, ठीक है, और नीचे रहेगा तो नहीं कटेगा, और जब ये ऊपर रहेगा तो डिस्क के डिस्प्लेट के साथ में रगड़ के ये कट जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर कटा हुआ है और उसके बाद में इस पे एयरन लाइट लगाया, लेकिन एयरन लाइट यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पाइप को चेंज करके पंपिंग करके ब्रेक को सही कर लेना है, वो मैं करके ले लेता हूँ, जल्दी से दिखाता हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से पंपिंग कर लेंगे जब तक कि ब्रेक नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है ब्रेक, ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ी तो एक बार उधर से एयर भी निकाल सकते हैं क्लीपर के पास से, और उसके बाद में उसे फिर टाइट करके पंपिंग कर लेंगे। तो इसको क्लीपर को कभी भी निकालिए किसी भी काम के लिए, तो इसका रूट सही रखिए क्योंकि ये बाइक यूजर के लिए डेंजर भी हो सकता है। अब देखें यहाँ पर टायर पूरी तरीके से फ्री है अभी, और इसको हम पंपिंग करेंगे तो इसमें ब्रेक लगने लग जाएगा, वो मैं दिखा रहा हूँ। इसको जल्दी से मैं पंपिंग कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम जाने वाला है इसमें। देख से मेरे घुमा के ब्रेक लग रहा है, घुमाता कैसे, चल सही हो गया।